हेलो फ्रेंड्स, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आजकल ये बीमारी छोटी उम्र की लड़कियों में काफी पाई जाती है, लेकिन कई ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में आप आज तक भी परिचित नहीं हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त आपको पीसीओएस के बारे में कुछ ऐसी बातों से आज परिचित करवाने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो आइए बिना किसी देर के आज जानते हैं पीसीओएस के बारे में विस्तार से। टिप नंबर वन, अच्छे तरीके से चेकअप कराना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं के अंदर पीसीओएस की बीमारी बहुत ही ज्यादा देखने में आई है। हालांकि आज तक इस बीमारी के वजह को पता नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ पता लगते ही इसकी दवाइयों का उपचार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि पीसीओएस कैसे होता है या फिर किन कारणवश ये आपके अंदर हो सकता है? ये बीमारी जल्द से पकड़ में भी नहीं आती है। आपके शरीर में जब ये बीमारी प्रवेश करती है तो उसके काफी समय बाद आपको अंदाजा होता है कि आप पीसीओएस की चपेट में आ चुके हैं। इसके कई लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, मूड खराब रहना, चेहरे पर बाल होना। अगर आप भी इन सारी समस्याओं से ग्रसित हैं तो अपना चेकअप तुरंत कराइए, हो सकता है कि आपको पीसीओएस हो गया हो। नंबर टू है मधुमेह। मधुमेह और मीठा खाना भी सेहत के लिए काफी खराब माना जाता है। जिन रोगियों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, हो सकता है कि उन्हें पीसीओएस भी हो। मधुमेह होने के बाद हमारे शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं, परिणाम स्वरूप हम काफी और बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। इसीलिए यदि आपको मधुमेह है तो अपना चेकअप ठीक से कराएं। हरे पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल करें और जितना हो सके उतने फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। नंबर थ्री, अवसाद यानी कि डिप्रेशन। यदि आप भी ज्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, ज्यादा बातों को सोचती हैं, नींद सही से नहीं आ पाती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थकावट भी रहती है, तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस हो गया हो। डिप्रेशन भी एक काफी बड़ा कारण है आपके शरीर के अंदर पीसीओएस को प्रवेश में लाने के लिए। इसीलिए अगर आपको भी अपने अंदर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो जरूरी है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। टिप नंबर फोर, अपने डॉक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको पीसीओएस हो गया है, इसीलिए आपके डॉक्टर्स जो भी सलाह देते हैं उन्हें पूरे तरीके से मानना आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। यदि आप नियमित रूप से अपना इलाज कराते हैं तो आप अपने आप को पीसीओएस की चपेट में आने से बचा सकते हैं। टिप नंबर फाइव, आहार और व्यायाम बहुत ही जरूरी है। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर पीसीओएस प्रवेश कर सकता है, तो जरूरी है कि आप अपने खाने और व्यायाम पे पूरी तरीके से ध्यान दें। हरे पत्तेदार सब्जियां, फाइबर युक्त आहार, फल, फ्रूट और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। परिणाम स्वरूप हो सकता है कि यदि आपको पीसीओएस हो तो वो जल्द ही ठीक हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसे बातें जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए पीसीओएस की चपेट में आने से पहले इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।